असलम स्टूडेंट्स माई नेम इज़ बाबर गुलाब एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर ऑफ ग्रेड नाइन्थ टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर थ्री टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज लेट्स मूव टुवर्ड्स द वाइट बोर्ड स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर थ्री की एक्सरसाइज के जो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनको एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इनको आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से प्रिपेयर करना है सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है रिलेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडावर्सटी विद नेचुरल इकोसिस्टम थ्रू एग्जाम्पल्स कि आपने बायोडावर्सिटी जो है उसको नेचुरल इकोसिस्टम के स्पैक्ट से विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करना है हम कहते हैं बायोडावर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी ई स्पीशीज नो मैटर हाउ स्मॉल ऑल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले यानी बायोडावर्सिटी में ये चीज़ नहीं मैटर करती कि कोई भी स्पीशीज जो है उसका साइज़ जो है वो कितना स्मॉल है इसके बावजूद हर एक स्पीशीज़ का जो है बायोडाइवर्सिटी में या इकोसिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है हर स्पीशीज़ जो है वो अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं अलार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट स्पीशीज़ मीन्स अ ग्रेटर वराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रेटर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इंश्योर्स नेचुरल सस्टेनेबिलिटी फार लाइफ फॉर्म्स अब प्लांट्स जो हैं वो जिस हद तक ज़्यादा होंगे आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं इस पर मोस्ट ऑफ दी जो स्पीशीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं फॉर द सेक ऑफ फूड तो जितनी ज़्यादा प्लांट्स की वैरायटी होगी उतना ही ज़्यादा दूसरी जो स्पीशीज़ जो प्लाट्स पर डिपेंडेंट हैं वो अपनी फूड ऑप्टेन कर सकती हैं और एक जो स्पीशीज़ है वो दूसरी स्पीशीज़ के सर्वाइवल में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है यानी प्लांट्स जो हैं वो दूसरी स्पीशीज़ को फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे को इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन कीपिंग इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि जो क्लासिफिकेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आपने एक्सप्लेन करना है और साथ ही साथ इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी आपने माइंड में रखना है तो हम कहते हैं द मेन एम्स ऑफ बोथ दीज ब्रांचेस आर टू डिटरमिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड ईजीली यानी क्लासिफिकेशन में हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब डिवाइड क्यों किया गया ताकि जो ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको इन डेप्थ स्टडी किया जा सके तो इसी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाएगी फर्दर हम कहते हैं टू डिटर्मिन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफ्रेंसिस अमंग ऑर्गेनिज़म सो दैट कैन स्टडी इजियर एक्सप्लेन द बेस फॉर इस्टिशिंग फाइव किंगडम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लिंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया गया इसकी आपने जो बेसिक रिजन हैं या बेसिक जो हैं जिसकी बेस पर फाइव किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया गया उसको आपने एक्सप्लेन करना है हम कहते हैं द फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन वाज प्रोपोज बाय आर एच विटिकर इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन द फाइव किंगडम्स वर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स सच एज अब किन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर जो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है इंट्रोड्यूस करवाया गया वो हमारे पास है सेल स्ट्रक्चर कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऑर्गेनिजम जो हैं वो किस तरह से अपनी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं या ऑप्टेन कर रहे हैं देन हमारे पास सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कि किस सोर्स से फूड जो है ऑप्टेन की जा रही है एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए पड़े हैं नेक्स्ट हम फर्दर कहते हैं इट इंक्लूड्स किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फनजाई किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनीमिलिया ये फाइव किंगडम्स थे जिनमें ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई किया गया नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है जस्टिफाई वाई वायरस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स इसमें आपने रीज़न बतानी है कि जो वायरसेस हैं उनको क्यों फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस नहीं किया गया कि उनको एक सेपरेट ग्रुप में अरेंज किया गया तो अब इसकी हम रीज़न देखते हैं हम कहते हैं दिस इज बिकॉज वायरसेस आर नॉट बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स सो दे आर नॉट क्लासिफाइड इन एनी किंगडम ऑफ लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव एनी ऑर्गेनैली एंड कैन नॉट रेस्पायर आर परफॉर्म मेटाबॉलिक फंक्शंस स्टूडेंट्स वायरसेस को जब हमने एक्सप्लेन किया था तो उसमें हमने बात की थी कि जो वायरसेस हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों करेक्टरिस्टिक शो करते हैं अगर तो ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है तो ये लिविंग है लेकिन अगर ये इन्वायरमेंट में है यानी किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं है तो ये नॉन लिविंग है फर्दर वायरसेस जो हैं इनकी मेटाबॉलिक मशीनरीज नहीं होती यानी ये अपनी डिफरेंट जो सिंथेटिक प्रोसेस हैं उसके लिए अपने होस्ट की बायो सिंथेटिक मशीनरी को यूटिलाइज़ करते हैं तो यही रीज़न है कि वायरसेस को हम फाइव किंगडम जो हैं उनमें नहीं रखते फर्दर हम कहते हैं वायरसेस आर मेयरली स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर आरएनए सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट कोड अ कैप्सिड कि जो वायरसेस हैं उनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होते हैं या आरएनए जिसको सराउंड किया होता है एक प्रोटीन कोट ने और उस प्रोटीन कोट को हम कहते हैं कैप्सिड नेक्स्ट हम देखते हैं वायरसेस आर फाउंड एज क्रिस्टल्स विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है डिस्क्राइब द एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमियल नॉमन क्लेचर स्टूडेंट्स बायोनोमियल नॉर्मल क्लेचर से आप फेमिलियर हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज़म्स को साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं हम कहते हैं इन बायोलॉजी बायोनोमियल नॉर्मल क्लेचर इज असेंशियल टू इंटीग्रेट द नेमिंग सिस्टम अक्रॉस लाइफ साइंसिस एंड देयर फॉर असाइन वन पार्टिकुलर यूनिक नेम आइडेंटिफायर फॉर पार्टिकुलर स्पीशीज़ अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज़ यानी एक ऑर्गेनिजम्स को इंटरनेशनली एक नेम दे दिया जाता है अब लैंग्वेज कोई भी हो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट रीजन्स में उस ऑर्गेनिजम को उस स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है नेक्स्ट हम कहते हैं दाइनोमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम कंबाइंस टू नेम्स इंटू वन टू गिव ऑल स्पीशीज यूनिक साइंटिफिक नेम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ़ अ साइंटिफिक नेम इज़ कॉल्ड द जीनस द सेकेंड पार्ट ऑफ अ स्पीशी नेम इज़ द स्पेसिफिक एपिथेट यानी जो बायोनोम नॉमन क्लेचर है इसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं और इस साइंटिफिक नेम में फर्दर टू नेम्स होते हैं फर्स्ट जेनरिक नेम या जीनस नेम और दूसरा स्पीशीज नेम होता है जो जीनस नेम होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और जो स्पीशीज़ नेम होता है उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडावर्सिटी क्या अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इनका बायोडावर्सिटी पर क्या अफेक्ट है इनकी वजह से क्या बायोडाइवर्सटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं हम कहते हैं द मेन थ्रेट्स फेसिंग बायोडाइवर्सटी ग्लोबली बिकॉज ऑफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर डिस्ट्रक्शन डिग्रेडेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, यानी हम क्या कर रहे हैं जो ऑर्गनीज़म्स हैं उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं उनकी सर्वाइवल की चांसेस एकोसस्टम में क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं तो इस तरह से जो स्पीशीज़ हैं वो इंडेंजर्ड होती हैं और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाती हैं फर्दर हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ इंडिविजुअल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव वेट्स थ्रू एक्सप्लाइटेशन पोल्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज़ अब ये एलियन स्पीशीज़ क्या है स्टूडेंट्स एलियन स्पीशीज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक एरिया का ना हो उसको किसी दूसरे रीजन से हम उस स्पेसिफिक एरिया में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसकी वजह से वहाँ पर जो लोकलाइज स्पीशीज़ होती हैं उनका हैबिटेट जो है या कंपटीशन की बेस पर उनकी एक्सटेंशन हो जाती है या वो इनडेंजर्ड हो जाती है नेक्स्ट हम देखते हैं आइडेंटिफाई कॉजिज़ ऑफ़ डीफॉरेस्टेशन एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन बायोडावर्सिटी कि अब जो डीफॉरेस्टेशन है इसके क्या इफेक्ट्स हैं बायोडावर्सिटी पर हम कहते हैं डायरेक्ट कॉजिज ऑफ आर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशंस आर एग्रीकल्चरल एक्सपेंशंस वुड एक्सट्रैक्शन फॉर एग्जाम्पल लॉगिंग आर वुड हारवेस्ट फॉर डोमेस्टिक फ्यूल आर चारकोल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन एज रोड बिल्डिंग एंड अर्बनाइजेशन हम क्या करते हैं कि जो दरख्त हैं उनको काटते हैं उनसे हम डिफरेंट जो हाउस मटेरियल्स हैं उनके लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो बनाते हैं तो इसकी वजह से जो फॉरेस्ट हैं उनका नंबर क्या हो जाता है कम हो जाता है अब फॉरेस्ट जो हैं वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं फॉर अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ तो जब हम ट्रीज़ को ही कट कर देते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं मोस्टली उनके लिए जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली जब हैबिटेट नहीं फेवरेबल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो उनका स्पीशीज़ नंबर जो है वो कम हो जाएगा या उनकी जो इंडिविजुअल्स हैं वो नंबर में कम होंगे इनडेंजर्ड हो जाएंगे और अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे फिर फर्दर हम कहते हैं रेअर्ली इज़ देयर आर सिंगल डायरेक्ट कॉज फॉर डिफोरेस्टेशन deforestation can directly lead to biodiversity loss when animal species that live in the trees no longer have their habitats cannot relocate and therefore become extinct. Further deforestation can lead certain tree species to permanently disappear which affects biodiversity of plants, species in an environment. Next statement we have, describe some of the प्रोग्राम्स रनिंग इन पाकिस्तान फॉर द कंज़र्वेशन ऑफ़ बायोडावर्सटी कि पाकिस्तान में बायोडावर्सटी की कंजर्वेशन के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करें हम कहते हैं मैनी ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग लाइक आई यू सी एन एंड डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ पी मैनी प्रोग्राम्स आर रनिंग लाइक यू एन कन्वेन्शन ऑन कंबेटिंग डिफिकेशन जिसको हम सी सी आई टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसी तरह हमारे पास है हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट फिर हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ बायोडावर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज जो कि बलोचिस्तान में है नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल केपी कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारखोर मार्क होर कर स्टूडेंट्स आपको पता है कि पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है फिर फर्दर हम कहते हैं बैन ऑन गेम्स यानी जो एनिमल गेम्स हैं उन पर बैन लगाया गया है पाकिस्तान में नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ द क्राइटेरिया फॉर इंटरब्रीडिंग टू डिफाइन स्पीशीज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वाई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम ब्रीडिंग को क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते अब इसकी रीज़न क्या है हम कहते हैं द क्राइटेरिया ऑफ इंटर ब्रीडिंग कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर स्पीशीज रिकोगनिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मीन्स के जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम इंटर ब्रीडिंग को इसलिए नहीं डिफाइन करते क्योंकि उनमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती उनमें कौन सी रिप्रोडक्शन होती है उनमें होती है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शंस दे हैव ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नेक्स्ट हमारे पास है हाउ आर टेक्सोनोमी एंड सिस्टमेटिक्स रिलेटेड कि जो टेक्सोनोमी है और सिस्टमेटिक है ये एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड हैं हम कहते हैं बोध दीज फील्ड्स आर रिलेटेड इन द एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिजम्स यानी दोनों का काम क्या है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना इन टू वेरियस कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ इन सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन सिस्टमैटिक्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इज़ आल्सो टेकन इन टू अकाउंट कि यानि जो हमारे पास सिस्टमेटिक्स है उसमें हम डिफरेंट स्पीशीज़ की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसमें भी जो लिंक्स है उनको यूटिलाइज करते हैं उनकी एवोल्यूशनरी बेस पर भी उनको क्लासीफाई करते हैं इन टू डिफरेंट ग्रुप्स आर कैटेगरीज नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है डिफ्रेंशियट बिटवीन द टर्म्स एक्सटिंक्ट एंड इन कि जो एक्सटिंक्ट और इन टर्म्स हैं इनमें आपने डिफ्रेंशिट करना है हम कहते हैं स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिक इन दैट इकोसिस्टम यानी ऐसी स्पीशीज जिसका कोई एक मेंबर भी एक स्पेसिफिक इकोसिस्टम में प्रेजेंट नहीं है यानी उसकी नस्ल के जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो सभी खत्म हो चुके हैं अब कोई उसका एक मेंबर भी बाकी नहीं बचा तो उस स्पीशीज को हम क्या कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशी वाइल अ स्पीशी इज कॉल्ड इन डेंजर वेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर यानी अब हमारे पास दूसरी इंडेंजर स्पीशीज उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि एक ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसका नंबर जो है वो रैपिडली डिक्रीज कर रहा है अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये चांसेस हैं कि नियर फ्यूचर में आने वाले वक्त में उस स्पीशीज का भी कोई भी मेंबर जो है वो अर्थ पे बाकी नहीं बचेगा और वो भी क्या हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेटमेंट है व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ विटकर मार्गुलिस एंड शॉर्ट्स इन टेक्सोनोमी हम कहते हैं इन नाइनटीन सिक्सटी सेवन रॉबर्ट विटकर इंट्रोड्यूस्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन नाइनटीन एटी एट एंड शॉर्ट्स मॉडिफाइड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर दे कंसीडर जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इन्होंने फर्दर जिस करैक्टरिस्टिक को यूज़ किया वो थी जेनेटिक्स और साथ ही साथ न्यूट्रिशन को मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम फाइव किंगडम्स एज प्रोपोज बाय विटकर यानी उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फाइव किंगडम्स में डिवाइड किया कौन से फाइव किंगडम्स जो कि विटकर ने प्रपोज किए थे स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया आपने एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है और एक्सरसाइज के जो एम सी क्यूज हैं शॉर्ट क्वेश्चन हैं और अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी करना है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़